गिनती की पुस्तक अध्याय 28, गिनती की पुस्तक अध्याय 28। नियत नियत समयों के विशेष विशेष बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक एक वर्ष के दो निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे एक चौथाई हिनकूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवें अंश मैदे का बलिदान चढ़ाना। यह नित्य होमबलि है जो सिनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग एक चौथाई हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुगंधदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को दो निर्दोष भेड़ के एक साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। फिर अपने महीने के आरंभ में प्रतिमास यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात दो बछड़े, एक मेंढा और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात बच्चे और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन दशवा अंश मैदा और उस एक मेंढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवा अंश मैदा, उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा, और उसके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधे हीन, मेंढे के साथ तिहाई हीन और भेड़े के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रति एक महीने का यही होमबलि ठहरे, और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के चौदहवें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के पंद्रहवें दिन को पर्व लगा करे। सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना। सो दो बछड़े, एक मेंढा और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश और मेंढे के सात एपा का दो दसवां अंश मैदा हो, और सातों भेड़ों के बच्चों में से एक प्रतिदिन बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन सातों दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए, और सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में
जब तुम अपने अठवारे नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाओगे तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो अर्थात दो बछड़े एक मेंढा और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेंढे के संग एपा का 2/10 अंश और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और एक बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो ये सब निर्दोष हो और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना।